हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनीषाज क्रोशे आर्ट। आज की वीडियो में हम क्रोशे रोज फ्लावर का ये फुल साइज तोरण बनाएंगे। देखिए बहुत ही खूबसूरत डिजाइन है और इजी टू मेक है, बिगनर्स भी इसे बड़ी आसानी से बना सकते हैं। ये तोरण अगर बनाना है फ्रेंड्स तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक करिए, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए और मेरे चैनल मनीषाज क्रोशे आर्ट को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन बटन जरूर ऑन करिए ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। इस तोरण को बनाने के लिए लगभग 2.25 किलो उलन लगी है। रेड कलर की उलन 650 ग्राम लगी है, व्हाइट कलर की उलन 750 ग्राम लगी है और ग्रीन कलर 350 ग्राम। आपको थोड़ा सा कम या थोड़ा सा ज्यादा लग सकता है। 2.25 किलो के आसपास ये बन जाएगा। इसे बनाने के लिए मैंने 10 नंबर क्रोशे हुक का यूज किया है जो नॉर्मली सबके पास होता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ऊपर वाली तोरण पट्टी बनाएंगे। इस तोरण में टोटल 3 पट्टियां लगेगी, साइड में 2 और 1 ऊपर में। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये 10 नंबर क्रोशे हुक है और HM की ऊन है। आप सॉफ्ट वाली ऊन के साथ भी इसे बना सकते हो, स्लिप नॉट। 11 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 प्लस 1 चेन। आप कितने भी चेन बनाकर जितने साइज की चाहिए आपको उस साइज की बना सकते हो। 11 डबल क्रोशे की पट्टी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 12 चेन बनाई है। फर्स्ट वाली चेन को स्किप करेंगे, सेकंड वाली चेन में डबल क्रोशे बनाएंगे। हर एक स्टिच में एक एक डबल क्रोशे बनाएंगे। 2 हो गए, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 देखिए 11 डबल क्रोशे हो गए। अब टर्न करने के लिए 1 चेन बनाएंगे और इसे टर्न करेंगे। फर्स्ट वाली स्टिच में एक डबल क्रोशे, फिर से हर एक स्टिच में एक एक डबल क्रोशे बनाएंगे। आपको अगर बड़ी पट्टी बनानी है तो आप ज्यादा चेन बनाओ और ज्यादा डबल क्रोशे बनाओ। हर एक स्टिच में एक एक डबल क्रोशे बनाएंगे। एकदम प्लेन पट्टी है, आप चाहे तो वेलकम तोरण पट्टी भी इसमें लगा सकते हो या फिर किसी भी डिजाइन की तोरण पट्टी आप इसमें लगा सकते हो। वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल है, आप एक बार देख सकते हो। तोरण पट्टी का एक प्लेलिस्ट है। लास्ट वाले स्टिच में एक डबल क्रोशे। देखिए फर्स्ट लाइन में 11 डबल क्रोशे थे, सेकंड लाइन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ऐसे ही पट्टी को आगे बढ़ाते हुए जाना है और पट्टी को बड़ा करेंगे दरवाजे के मेजरमेंट के हिसाब से। ये देखिए ये पट्टी मैंने 3 फीट वाले दरवाजे के लिए बनाई है, उसकी चौड़ाई 3 फीट है। थर्टी सिक्स इंच वाला दरवाजा है ये, इसके लिए मैंने ये तोरण पट्टी बनाई है।
आप अपने दरवाजे के हिसाब से बना सकते हो। इसकी चौड़ाई भी आप अपने हिसाब से रख सकते हो, अगर ज्यादा की बनानी है तो ज्यादा की बना सकते हो। ये देखिए, ये 16 डबल क्रोशे वाली पट्टी है, जितनी चाहे आप इसमें चौड़ाई रख सकते हो। मैं ये वाली लगाऊंगी। अभी हम साइड वाली तोरण पट्टी बनाएंगे, इसे हम साइड रखेंगे। अभी हम छोटी साइज की पट्टी बनाएंगे साइड में लगाने के लिए। ये दो पट्टियां बनेगी, 1 2 3 4, फोर चेन। मैं 4 डबल क्रोशे वाली तोरण पट्टी बना रही हूँ साइड में लगाने के लिए। आप 5 या 6 डबल क्रोशे वाली भी बना सकते हो, प्लस 1 चेन ये टर्न करने के लिए। सेकंड वाली चेन में 1 डबल क्रोशे, उसके बाद नेक्स्ट वाली 1 डबल क्रोशे, ये 2 हो गए, 3 और 4। देखिए 4 डबल क्रोशे हो गए। टर्न करने के लिए 1 चेन और टर्न करेंगे। फर्स्ट वाली स्टिच में 1 डबल क्रोशे, 2 3 4। इसमें आप 6 डबल क्रोशे वाली, 5 डबल क्रोशे वाली आपकी पसंद से बना सकते हो। 1 चेन टर्न करने के लिए, वन डबल क्रोशे, 2 3 4, 1 चेन, 3 लास्ट वाले स्टिच में 1 डबल क्रोशे। देखिए ऐसे ही तोरण पट्टी को बढ़ाते हुए जाना है। ये देखिए, ऐसे हमें 2 पट्टियां लगेगी, 2 साइड में 2। इसे भी आप अंदाजे से बना सकते हो लंबाई में भी। अगर कम पड़ता है तो बाद में बनाओ, अगर ज्यादा हो जाती है तो बाद में इसे आप खोल भी सकते हो साइड से ऐसे। अब इसे साइड रखेंगे और अब हम फ्लावर बनाएंगे। स्लिप नॉट 9 चेन बनाएंगे। मेरा रेड वाला कलर खत्म हो गया है, इसलिए मैं इसके साथ दिखा रही हूँ। रेड वाले फ्लावर्स मैंने बना लिए हैं, ये पिंक कलर के साथ। 3 4 5 6 6 7 8 9 9 चेन। स्लिप स्टिच करेंगे फर्स्ट वाली चेन में से, 2 चेन, 2 इस चेन को हम डबल क्रोशे काउंट करेंगे, 2 हो गए, 3 4 5, 5 डबल क्रोशे की 1 पेटल बनाएंगे। अब 1 स्लिप स्टिच करेंगे। फर्स्ट लेयर में हम 3 पेटल्स बनाएंगे, 2 चेन, फिर से 2 चेन को हम एज डबल क्रोशे काउंट करेंगे और दूसरे 4 डबल क्रोशे बनाएंगे। ये 3 हो गए, 4 5, फिर से स्लिप स्टिच करेंगे। टू चेन बनाएंगे, 1 2, टू थ्री फोर फाइव,
देखिए थ्री पेटल्स बन गई है। यहाँ पर एक स्लिप स्टिच करेंगे, फर्स्ट लेयर में थ्री पेटल्स, सेकंड लेयर में फोर पेटल्स और फिर थर्ड लेयर में फाइव पेटल्स बनाएंगे, फोर चेन। और यहाँ पर टर्न करेंगे, जो सेंटर वाले डबल क्रोशे के ऊपर स्लिप स्टिच करेंगे, वन टू थ्री फोर, फोर चेन सेंटर वाले डबल क्रोशे पर स्लिप स्टिच करेंगे, वन टू थ्री फोर नेक्स्ट वाले पेटल के सेंटर वाले डबल क्रोशे पर पीछे की तरफ से स्लिप स्टिच करेंगे, वन टू थ्री फोर। जहां से चेन की शुरुआत हुई थी वहां पर एक स्लिप स्टिच करेंगे। देखिए सेकंड राउंड के लिए ये चेन बना लिए हैं, चेन के ऊपर आएंगे एक स्लिप स्टिच के साथ, वन टू चेन। अब यहां पर हम सेकंड वाला लेयर सेवन डबल क्रोशे वाली पेटल बनाएंगे, टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। अब इसी चेन पर एक स्लिप स्टिच करेंगे और एक पेटल कंप्लीट हुई। अब नेक्स्ट पेटल के लिए नेक्स्ट वाली चेन पर आएंगे एक स्लिप स्टिच के साथ, टू चेन, टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। यहां पर स्लिप स्टिच करेंगे इसी चेन पर, नेक्स्ट वाली चेन पर आएंगे एक स्लिप स्टिच के साथ, वन टू चेन और फिर से सेवन डबल क्रोशे, टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। देखिए स्लिप स्टिच करेंगे, नेक्स्ट वाली चेन पर आएंगे एक स्लिप स्टिच के साथ, वन टू चेन, टू थ्री फोर फाइव। रोज फ्लावर का एक डिटेल वीडियो मेरे चैनल पर पहले से अवेलेबल है, आप वो जाकर देख सकते हो। उसमें मैंने थोड़ी बड़ी साइज का फ्लावर बताया है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। एक और डबल क्रोशे बनाएंगे, सेवन हो गए। इसी चेन पर एक स्लिप स्टिच करेंगे, देखिए दो लेयर कंप्लीट हुए हैं। अभी हम थर्ड लेयर बनाएंगे, थर्ड लेयर में फाइव पेटल्स आएंगी, वन टू थ्री फोर चेन। इसे ऐसे टर्न करेंगे पीछे की तरफ से सेंटर वाले डबल क्रोशे पर स्लिप स्टिच करेंगे, फिर से फोर चेन, वन टू थ्री फोर। नेक्स्ट वाले पेटल पर सेंटर वाले डबल क्रोशे पर पीछे की तरफ से एक स्लिप स्टिच करेंगे, वन टू थ्री फोर, फोर चेन, वन टू थ्री फोर। वन टू थ्री फोर।
एक स्लिप स्टिच के साथ चेन के ऊपर आए हैं, 1 2 चेन। अभी हम 9 डबल क्रोशे वाली पेटल बनाएंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए यहां पर एक स्लिप स्टिच करेंगे, एक पेटल कंप्लीट हुई है थर्ड लेयर की। नेक्स्ट वाली चेन पर आएंगे, टू चेन, ये टू डबल क्रोशे हो गए, 3 4 5 6 7 8 9। थर्ड लेयर में 9 डबल क्रोशे वाली पेटल बनाएंगे, यहां पर एक स्लिप स्टिच करेंगे, एक स्लिप स्टिच के साथ नेक्स्ट वाली चेन पर आएंगे, 2 चेन, नेक्स्ट पेटल की शुरुआत, 2 3 4 5 6 7 8 9। यहां पर एक स्लिप स्टिच करेंगे, सिक्स सेवन एट नाइन। नेक्स्ट वाली चेन पर आएंगे एक स्लिप स्टिच के साथ और लास्ट वाली पेटल कंप्लीट करेंगे यहां पर, 2 3 4 5 6 7 8 9। स्लिप स्टिच करेंगे, देखिए थर्ड लेयर भी कंप्लीट हुआ है। अभी हमें यहां पर ऐसे स्क्वायर बनाना है, स्क्वायर बनाने के लिए हम यहां पर चेन बनाएंगे, यहां पर हम 6 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 चेन। पहले हम यहां पर करते थे पेटल्स बढ़ाने के लिए, पेटल का लेयर बनाने के लिए, अभी हम स्क्वायर बनाना है तो 4 ही चेन बनाएंगे ऐसे यहां से। अब ऐसे देखिए यहां तक एक पेटल को ऐसे ही छोड़ेंगे और नेक्स्ट वाली पेटल पर थोड़ा शुरुआत में ही यहां पर एक स्लिप स्टिच करेंगे, यहां पर देखिए एक चेन बन गई है, फिर से 6 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए नेक्स्ट चेन हम यहां पर स्टिच करेंगे स्लिप स्टिच के साथ, देखिए इस चेन को हम यहां पर स्टिच करेंगे स्लिप स्टिच के साथ,
ये दो चेन बन गई। अब थर्ड चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6, इसे हम यहां पर स्टिच करेंगे। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। अब ये फोर्थ वाली चेन, जहां से हमने चेन बनाना शुरू किया था वहां पर स्टिच करेंगे। देखिए वन चेन लेकर उनको काटेंगे। अब पिंक कलर का हमारा ये काम खत्म हो गया है। ये देखिए, यहाँ 1 2 3 4, अभी हम ऐसे स्क्वायर बनाएंगे। इसमें रेड फ्लावर के साथ बनाऊंगी मैं, क्योंकि तोरण में मैंने यही यूज किया है। देखिए यहां पर भी 1 2 3 4, 4 चेन है। ग्रीन कलर की ऊन लेंगे, स्लिप स्टिच करेंगे और किसी भी एक चेन पर इसे अटैच करेंगे। वन टू थ्री फोर चेन अटैच करने के बाद 4 चेन। अब हम यहां पर ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे। 4 चेन को हम एज ए ट्रिपल क्रोशे काउंट करेंगे और एक ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे। 4 चेन और ट्रिपल क्रोशे। अब 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, और इसी चेन पर 2 ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे, 1 2। एक चेन के ऊपर 2 ट्रिपल क्रोशे, 3 चेन और 2 ट्रिपल क्रोशे। अब बीच में 2 चेन बनाएंगे और नेक्स्ट वाली चेन के ऊपर आएंगे। देखिए यहां पर 2 ट्रिपल क्रोशे, वन टू थ्री चेन, फिर से 2 ट्रिपल क्रोशे, देखिए अब 2 चेन बनाएंगे और नेक्स्ट वाले चेन के ऊपर आएंगे। टू ट्रिपल क्रोशे, थ्री चेन, फिर से 2 ट्रिपल क्रोशे इसी चेन पर, एक चेन के ऊपर 2 ट्रिपल क्रोशे, 3 चेन और 2 ट्रिपल क्रोशे। 2 चेन बनाकर नेक्स्ट वाली चेन पर जाएंगे। लास्ट वाली चेन के ऊपर फिर से 2 ट्रिपल क्रोशे, 1 2, 2 ट्रिपल क्रोशे, 3 चेन, 1 2 3, फिर से 2 ट्रिपल क्रोशे, 1 2, 2 चेन बनाएंगे और यहां पर फोर्थ वाली चेन में स्लिप स्टिच करेंगे। चेन के ऊपर एक स्लिप स्टिच के साथ आएंगे। यहां पर 1 2 3, यहां पर चेन के ऊपर आए हैं हम, 3 चेन और 2 डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 और 2। नेक्स्ट राउंड की शुरुआत है ये, 1 2 3 चेन और इसी चेन पर फिर से 3 डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 2 3। यहां पर 3 की जगह पर 2 चेन भी आप बना सकते हो।
वन टू चेन, बीच वाले चेन पर टू डबल क्रोशे, वन टू, और यहां पर आगे के चेन पर यहां पर टू डबल ट्रिपल क्रोशे, टू ट्रिपल क्रोशे, थ्री चेन और टू ट्रिपल क्रोशे है। यहां पर यहां के चेन पर फिर से थ्री डबल क्रोशे बनाएंगे, वन टू थ्री, थ्री डबल क्रोशे, थ्री चेन, फिर से थ्री डबल क्रोशे। जहां पर हमने थ्री चेन बनाई थी वहां पर हमें थ्री डबल क्रोशे, थ्री चेन और थ्री डबल क्रोशे बनाने हैं। फिर से टू चेन बनाएंगे और नेक्स्ट वाली टू चेन वाले गैप में टू डबल क्रोशे बनाएंगे, वन टू, टू चेन और नेक्स्ट वाले थ्री चेन वाले गैप पर थ्री डबल क्रोशे, वन टू थ्री, थ्री डबल क्रोशे, थ्री चेन और थ्री डबल क्रोशे इसी चेन पर। टू चेन बनाएंगे और यहां पर वन टू, टू डबल क्रोशे, टू चेन और नेक्स्ट वाली थ्री चेन वाली गैप पर यहां पर थ्री डबल क्रोशे, वन टू थ्री, थ्री चेन और थ्री डबल क्रोशे। वन टू थ्री, टू चेन और टू चेन वाले गैप पर टू डबल क्रोशे, वन टू, टू चेन बनाएंगे और यहां पर थर्ड वाली चेन में स्लिप स्टिच करेंगे और देखिए स्क्वायर बन गया है। ग्रीन कलर का काम खत्म हुआ है तो यहां पर हम ऊन को काटेंगे वन चेन लेकर को आगे बढ़ाएंगे एक स्लिप नॉट। यहां पर कॉर्नर वाली चेन के ऊपर ऊन को अटैच करेंगे, थ्री चेन, टू डबल क्रोशे बनाएंगे, चेन के साथ थ्री हो जाएंगे, थ्री डबल क्रोशे, वन टू थ्री चेन और फिर से थ्री डबल क्रोशे इसी चेन पर, इसी कॉर्नर के ऊपर हम थ्री डबल क्रोशे, थ्री चेन और थ्री डबल क्रोशे बनाएंगे। देखिए टू चेन और नेक्स्ट वाली टू चेन के गैप में टू डबल क्रोशे बनाएंगे, वन टू, फिर से टू चेन, वन टू, नेक्स्ट वाली टू चेन के गैप पर वन टू, टू डबल क्रोशे, फिर से टू चेन और कॉर्नर पर आएंगे यहां पर थ्री डबल क्रोशे, वन टू थ्री, थ्री डबल क्रोशे, थ्री चेन और थ्री डबल क्रोशे, वन टू थ्री, वन टू, टू चेन और नेक्स्ट वाली टू चेन के गैप पर टू डबल क्रोशे, टू चेन, नेक्स्ट वाली टू चेन के गैप पर टू डबल क्रोशे, वन टू, टू चेन, वन टू और कॉर्नर पर थ्री डबल क्रोशे, वन टू थ्री, थ्री, वन टू थ्री चेन और थ्री डबल क्रोशे, फिर से वन
टू थ्री, अब टू चेन और टू चेन वाली गैप पर टू डबल क्रोशे। देखिए ऐसे ही यहां तक कंप्लीट करेंगे। देखिए राउंड कंप्लीट हो गया है, टू चेन और यहां पर वन टू थ्री, थर्ड वाली चेन में स्लिप स्टिच करेंगे। अब नेक्स्ट राउंड की शुरुआत करेंगे, वन चेन और इसी स्टिच में एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे, थ्री चेन बनाएंगे। थ्री चेन बनाने के बाद एक स्टिच को स्किप करेंगे, नेक्स्ट वाली चेन में एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे और ये थ्री चेन वाले गैप पर एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। यहां पर फाइव चेन बनाएंगे, एक कॉर्नर है, टू थ्री फोर फाइव, फाइव चेन बनाने के बाद इसी चेन पर एक सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट वाली स्टिच में एक सिंगल क्रोशे। अब थ्री चेन बनाएंगे, वन टू थ्री, एक स्टिच को स्किप करके नेक्स्ट वाली स्टिच में एक सिंगल क्रोशे, उसके बाद चेन के ऊपर एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे, वन टू थ्री चेन। यहां पर एक स्टिच को स्किप करेंगे, यहां पर टू चेन है, एक सिंगल क्रोशे बनाया है, यहां पर एक स्किप होगा और ये जो दो डबल क्रोशे है इसके ऊपर वन और नेक्स्ट वाले स्टिच में वन, ऐसे यहां पर टू डबल क्रोशे हो गए, वन टू थ्री चेन। थ्री चेन बनाने के बाद यहां पर एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे, एक स्टिच स्किप हो गए और एक पर एक सिंगल क्रोशे आ गया, नेक्स्ट वाले डबल क्रोशे के ऊपर एक सिंगल क्रोशे, यहां पर दो डबल क्रोशे हो गए, वन टू थ्री, थ्री चेन। इस चेन के ऊपर एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे और एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे, यहां स्टिच में ये दो हो गए, वन टू थ्री चेन, एक को स्किप करेंगे नेक्स्ट वाले में वन सिंगल क्रोशे, उसके बाद चेन के ऊपर वन सिंगल क्रोशे। देखिए एक लाइन में ये चेन, ये फाइव चेन स्किप करके इसे नहीं गिनना है, वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव होने के बाद यहां पर कॉर्नर वाले फाइव चेन आएंगे, वन टू थ्री फोर फाइव, हर बार ये थ्री चेन वाले फाइव आएंगे, वन टू थ्री फोर फाइव, उसके बाद ये फाइव चेन कॉर्नर वाले, यहां पर एक सिंगल क्रोशे, उसके बाद नेक्स्ट वाली स्टिच में एक सिंगल क्रोशे और फिर थ्री चेन बनाएंगे, वन टू थ्री, एक स्टिच को स्किप करेंगे और नेक्स्ट वाली स्टिच में एक सिंगल क्रोशे, चेन के ऊपर एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे, थ्री चेन बनाएंगे और फिर से वन और टू सिंगल क्रोशे, वन टू थ्री चेन। यहां पर चेन के ऊपर एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे और स्टिच में एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। देखिए वन टू थ्री हो गए, वन टू थ्री, थ्री चेन। अब इस बार इस चेन के ऊपर एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे और स्टिच में एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे, वन टू थ्री, थ्री चेन और एक स्टिच को स्किप करेंगे, नेक्स्ट वाली स्टिच में एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे और एक सिंगल क्रोशे चेन पर बनाएंगे, कॉर्नर वाली चेन पर। देखिए इस साइड में भी वन टू थ्री फोर फाइव आ गए चेन, थ्री वाले फाइव चेन और इस तरफ से भी थ्री थ्री चेन वाले फाइव है, वन टू थ्री फोर फाइव, बाद में ये कॉर्नर वाला, यहां पर फाइव चेन है। अब फाइव चेन बनाएंगे, वन टू थ्री फोर फाइव, यहां पर एक सिंगल क्रोशे चेन पर, एक सिंगल क्रोशे स्टिच में, थ्री चेन, एक स्टिच को स्किप करेंगे, नेक्स्ट वाले स्टिच में एक सिंगल क्रोशे, एक सिंगल क्रोशे चेन पर बनाएंगे, वन टू थ्री चेन, एक को स्किप करेंगे और यहां पर दो स्टिच में
दो सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, ऐसे ही पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। थ्री चेन और यहां पर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे चेन के ऊपर। पहले एक सिंगल क्रोशिया बनाया था स्टार्टिंग में, अब यहां से स्लिप स्टिच करेंगे और देखिए ये पूरा राउंड कंप्लीट हुआ। देखिए जैसे ये स्क्वायर कंप्लीट किया है वैसे ही बाकी स्क्वायर भी कंप्लीट करेंगे। ऐसे टोटल 48 स्क्वायर इस तोरण के लिए चाहिए। अब हम इन स्क्वायर को ऐसे जोड़ेंगे, ये देखिए ऐसे जॉइंट करेंगे इसे। एक स्लिप नॉट लगाएंगे, दोनों के कॉर्नर पकड़ेंगे, यहां से देखिए स्लिप स्टिच करेंगे, दूसरी तरफ से भी वैसे ही स्लिप स्टिच करेंगे। अब ये कॉर्नर वाली चेन पर स्लिप स्टिच होने के बाद यहां पर जो दो सिंगल क्रोशे है वो दो सिंगल क्रोशे के बीच में से यहां से एक स्लिप स्टिच करेंगे और उसके बाद दूसरी तरफ से वहीं पर दो सिंगल क्रोशे के बीच में से यहां से एक स्लिप स्टिच करेंगे। सिंगल क्रोशे वाले स्लिप स्टिच होने के बाद यहां पर जो थ्री चेन है वहां से एक स्लिप स्टिच करेंगे और दूसरी तरफ के चेन में से भी स्लिप स्टिच करेंगे। एक बार चेन में से तो एक बार सिंगल क्रोशे के बीच में से यहां से ऐसे लेंगे ऊन को और स्लिप स्टिच करेंगे। ऐसे देखिए ऐसे ही करते हुए हमें दो स्क्वायर को जोड़ना है। देखिए दो स्क्वायर जॉइंट हो गए हैं। वन चेन लेंगे और यहां पर उनको काटेंगे, ये हो गया। जैसे हमने ये दो स्क्वायर की पट्टी बनाई है वैसे ही तीन स्क्वायर की भी पट्टी बनाएंगे। दो स्क्वायर की चार पट्टियां, तीन स्क्वायर की चार पट्टियां और चार स्क्वायर की दो पट्टियां लगाई है मैंने। आप चाहे तो इसकी भी चार पट्टियां बना सकते हो और फिर नाइन स्क्वायर वाली दो पट्टियां बनाई है। जोड़ने का तरीका सेम ही है और फिर सिंगल वाले फ्लावर स्क्वायर दो रखे हैं लास्ट में, दोनों तरफ एक एक फ्लावर लास्ट में लगे। यहाँ पर पूरा तोरण दिखाना तो संभव नहीं है, जगह कम है और ये कैमरा में पूरा बैठेगा नहीं, इसलिए ये दो पट्टियां मैं आपको जोड़कर यहाँ पर दिखा रही हूँ, उसी से आपको पूरा तोरण समझ में आएगा। अब देखिए इसे हम यहाँ से जैसे ये जोड़ा था वैसे ही यहां से जोड़ेंगे, तरीका सेम ही है।
से उनको ज्वाइंट करेंगे। अब देखिए दोनों तरफ से सेम तरीके से ऐसे ही स्लिप स्टिच लेंगे। चेन में स्लिप स्टिच लेने के बाद दो डबल क्रोशे के बीच में से एक स्लिप स्टिच लेंगे इस तरफ से, और दूसरी तरफ से भी वैसे ही एक स्लिप स्टिच लेंगे, ऐसे ही जोड़ेंगे जैसे हमने पहले जोड़ा था। दो पट्टियों को एक साथ अटैच करेंगे। ऐसे ही यहाँ तक जोड़ेंगे। देखिए ये दो पट्टियां एक साथ मैंने ज्वाइंट कर दी है, और लास्ट में एक वाला स्क्वायर भी यहाँ पर मैंने जोड़ दिया है। ऐसे ही करना है हमें। इसके ऊपर तीन स्क्वायर वाली पट्टियां आएगी, और उसके ऊपर चार स्क्वायर वाली पट्टियां, और लास्ट में 9 स्क्वायर वाली पट्टियां ऊपर दोनों तरफ से आएगी। अभी इसे हम तोरण के साथ ज्वाइंट करेंगे। देखिए अभी मैं तोरण को पट्टी के साथ कैसे अटैच करना है ये बताऊंगी। ये एक पीस रखा है मैंने समझाने के लिए, बड़ा तोरण यहाँ पर बैठेगा नहीं। ऐसे यहाँ पर जॉइंट करना है। इस तरफ से तोरण पट्टी का स्टार्टिंग का हिस्सा है, यहाँ से हमने तोरण पट्टी बनाना शुरू किया है, और इस तरफ से ये आगे बढ़ रही है। यहाँ से मैं जोड़ना आपको बताऊंगी। हमेशा ऐसे ही करें ताकि पट्टी अगर कम पड़ेगी जोड़ते समय तो आगे हम बढ़ा सकते हैं, और पट्टी को थोड़ा ऐसे खींचना है ताकि ये सही से बैठे। खींचते हुए लगाएंगे। यहां से ऐसे ऊन को निकाल लेंगे। जैसे हमने दो स्क्वायर जोड़े थे ये भी वैसे ही है, इसमें कुछ ज्यादा बदलाव नहीं है। एक बार हम पट्टी की तरफ से स्लिप स्टिच लेंगे और एक बार स्क्वायर की तरफ से, ये देखिए ऐसे। नेक्स्ट वाली डबल क्रोशे की लाइन पर एक स्लिप स्टिच, उसके बाद यहाँ पर दो डबल क्रोशे के दो सिंगल क्रोशे के बीच में से एक स्लिप स्टिच लेंगे। अगर आपको ऐसे बनाने में दिक्कत होती है तो आप यहाँ पर नीडल के साथ भी अटैच कर सकते हो। जोड़ते समय पट्टी को थोड़ा ऐसे खींचते हुए पकड़ेंगे। ताकि ये अच्छे से यहाँ पर अटैच हो जाए। देखिए ऐसे ही इसे जॉइंट करना है। इसी तरीके से तोरण में पट्टी को अटैच करेंगे। जोड़ी है ऊपर एक तोरण पट्टी जोड़ी है बड़ी वाली, और साइड में दोनों तरफ से छोटी वाली पट्टियां जोड़ी है। देखिए
अभी हम तोरण को आगे बढ़ाएंगे। सभी पट्टियों को जोड़ने के बाद साइड वाली पट्टी और ऊपर वाली पट्टी भी तोरण के साथ जोड़ने के बाद हम यहाँ से शुरुआत करेंगे। यहाँ से डबल क्रोशे की लाइन बनाएंगे। आप यहाँ पर सिंगल क्रोशे वाली लाइन भी बना सकते हो या फिर हाफ डबल क्रोशे की लाइन भी आप यहाँ पर बना सकते हो। यहाँ से इस छोर से शुरुआत करेंगे डबल क्रोशे की और दूसरे छोर तक यहाँ तक बनाएंगे। अब देखिए यहाँ से मैं स्टार्ट करती हूँ, स्टार्ट करके दिखाऊंगी। ये लास्ट वाला, ये नीचे वाला नोक है, यहाँ से शुरू कर रहे हैं। फर्स्ट वाले स्टिच में यहाँ पर ऊन को अटैच करेंगे। वन टू, यहाँ पर थ्री चेन, इसे हम एज डबल क्रोशे काउंट करेंगे और नेक्स्ट वाले स्टिच में एक डबल क्रोशे बनाएंगे। देखिए हर स्टिच में एक एक डबल क्रोशे बनाएंगे। यहाँ पर फोर डबल क्रोशे वाले, फोर डबल क्रोशे के ऊपर फोर डबल क्रोशे, ये पट्टी के ऊपर आ गए हैं। अब यहाँ पर चेन है स्क्वायर वाली, इस चेन में वन टू थ्री, चेन में थ्री डबल क्रोशे। यहाँ पर दो सिंगल क्रोशे है, दो सिंगल क्रोशे के बीच में एक डबल क्रोशे बनाएंगे। अब चेन पर एक कॉर्नर वाली बड़ी वाली चेन थी, यहाँ पर थ्री डबल क्रोशे बनाए हैं। यहाँ पर बीच में ये थ्री चेन वाली चेन है, छोटी सी चेन है, यहाँ पर दो डबल क्रोशे बनाएंगे और फिर दो डबल क्रोशे के बीच में, दो सिंगल क्रोशे के बीच में एक डबल क्रोशे बनाएंगे। ऐसे चेन के ऊपर दो डबल क्रोशे, एक दो, दो सिंगल क्रोशे के बीच में एक डबल क्रोशे, चेन के ऊपर दो डबल क्रोशे, वन टू। अब हम कॉर्नर पर आए हैं, कॉर्नर पर यहाँ पर इस फाइव चेन में वन टू थ्री, थ्री चेन सॉरी थ्री डबल क्रोशे, टू चेन बनाएंगे और फिर से यहीं पर थ्री डबल क्रोशे बनाएंगे। यहाँ पर कॉर्नर तैयार हो जाएगा। देखिए फिर डबल क्रोशे के बीच में सॉरी सिंगल क्रोशे के बीच में डबल क्रोशे बनाएंगे, वन चेन के ऊपर टू डबल क्रोशे, सिंगल क्रोशे के बीच में वन डबल क्रोशे, चेन के ऊपर टू डबल, चेन के ऊपर दो डबल क्रोशे, वन टू। यहाँ पर एक डबल क्रोशे, चेन के ऊपर टू। यहां तक कॉर्नर तक आने के बाद यहां से डायरेक्ट इस चेन पर आएंगे। यहां पर भी दो डबल क्रोशे, यहां पर कुछ भी बदलाव नहीं है, सेम ही करना है। दो डबल क्रोशे, यहाँ पर सिंगल क्रोशे के बीच में एक डबल क्रोशे बनाएंगे, चेन के ऊपर दो डबल क्रोशे, चेन के ऊपर दो डबल क्रोशे, सेम ही है। देखिए ऐसे ही बनाना है आगे तक।
चेन पर दो डबल क्रोशे बनाएंगे और सिंगल क्रोशे के बीच में एक डबल क्रोशे बनाएंगे। यहाँ पर कुछ भी बदलाव नहीं है, वहां से यहाँ तक डायरेक्ट आएंगे और ए वाले कॉर्नर के पास आने के बाद इस फाइव चेन में थ्री डबल क्रोशे बनाएंगे, वन टू थ्री, उसके बाद टू चेन बनाएंगे और फिर से इसी चेन पर थ्री डबल क्रोशे बनाएंगे, वन टू थ्री, और फिर ऐसे ही आगे जाएंगे सिंगल क्रोशे के बीच में एक डबल क्रोशे और चेन के ऊपर दो डबल क्रोशे, कॉर्नर पर तीन डबल क्रोशे, दो चेन और तीन डबल क्रोशे, ऐसे ही लास्ट तक बनाएंगे, यहां से ही लास्ट तक बनाएंगे दूसरे छोर तक तोरण के, और फिर इतना बनाने के बाद यहां से चेन बनाएंगे और लटकन लगाएंगे। इतना मैं करती हूँ, फिर आपके साथ शेयर करूंगी। देखिए चेन बनाकर मैंने लटकन भी लगा दिए हैं। चेन बनाकर लटकन लगाने का तरीका मेरे चैनल पर पहले से अवेलेबल है, दूसरे तोरण की वीडियोस में मैंने ये बताया हुआ है, इसीलिए इस वीडियो में मैंने नहीं बताया क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो रहा था। कंप्लीट होने के बाद तोरण का लुक देखिए, बहुत ही खूबसूरत डिजाइन बनकर तैयार हो गई है, रोज फ्लावर की बिग वाला तोरण। आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।